खबर ग्वालियर से है, जहां बिल्डर के परिवार की कार खड़े ट्रक में घुस गई। हादसा बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे सिरसा गांव के पास हाईवे पर हुआ। परिवार रात में भोपाल से ग्वालियर आ रहा था। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें बिल्डर, उसकी माँ और फुफेरे भाई की मौत हो गई। वहीं BSNL के अफसर की हालत गंभीर है। उसे जया रोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर के थाटीपुर स्थित मयूर कॉलोनी के रहने वाले अशोक पुत्र केशव राव बंसल बिल्डर हैं। उनकी दौलतगंज में शॉप भी है, साथ ही तिरुपति कंस्ट्रक्शन नाम से कंपनी भी है। कंपनी में भगवती प्रसाद पुत्र रामेश्वर दयाल सिंघल पार्टनर हैं। 2 दिन पहले वह पार्टनर भगवती प्रसाद अपनी माँ विद्या देवी के साथ भोपाल गए थे। भोपाल में भगवती के छोटे भाई मनोज सिंघल IES अफसर हैं। वह BSNL में इंजीनियर हैं। काम खत्म करके रात में भगवती, अशोक, विद्या देवी और मनोज कार से ग्वालियर के लिए निकले। वह घाटी गांव थाना क्षेत्र के सिरसा गांव हाईवे के पास पहुंचे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भगवती और फुफेरे भाई अशोक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायल विद्या देवी ने इलाज के दौरान जया रोग अस्पताल के ट्रामा सेंटर में दम तोड़ दिया। वहीं मनोज की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ट्रक को कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निकालने का प्रयास किया। सब कार की बॉडी में फंस गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों और शवों को निकलवाया गया। बताया जा रहा है कि कार तेज गति में थी। पुलिस को अंदेशा है कि ड्राइवर की आंख लगने से हादसा हुआ है। घाटी गांव थाने के ASI लाला राम ने बताया कि सिरसा गांव हाईवे के पास कार ट्रक की टक्कर हो गई है।